नमस्कार दोस्तों, मैं नाम सिद्धांत मिश्रा, मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, दिस पर्टिकुलर कॉलेज, नाम नहीं लूँगा, यू ऑल नो इट। पिछले वीडियो मैंने बात किया था एक हिंदुस्तानी IHM के बारे में, कि उसी के बारे में आप वीडियो नंबर 2 समझ सकते हो बेसिकली। क्योंकि फिर मैं इनकी वेबसाइट पर गया, मैंने कुछ बहुत ही शॉकिंग देखा, और जो बातें मैं कह रहा हूँ आप इनकी वेबसाइट पर विज़िट करके खुद भी देख सकते हो। मुझे पता है कि मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, अगर आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपको और भी बुरी लगेंगी, क्योंकि यार भाई ये जान करके मेरी डिग्री अच्छी नहीं है या मेरी डिग्री फेक है, किसी भी इंडिविजुअल को झटका लगेगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाने की होती है। ठीक है, जब मैं ये कहता हूँ आपसे तो मैं काफ़ी कुछ सोच के कहता हूँ, काफ़ी कुछ समझ के कहता हूँ, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, आई विल प्रूव इट टू यू टुडे। सबसे पहले बात करते हैं ये कॉलेज एफिलिएटेड कहाँ से। जब मैं हिंदुस्तानी IHM की बात करता हूँ, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की नकल है, तो मैं यहाँ पे बहुत ही क्लियर कर देता हूँ कि ये एफिलिएटेड है किसी समुद्री स्किल नाम की यूनिवर्सिटी से। जब मैं ये कहता हूँ कि किसी समुद्री स्किल नाम की यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन लॉ क्या कहता है हम वो भी समझ लेते हैं। UGC की गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी यूनिवर्सिटी अपने कैंपस के बाहर डिग्रीज नहीं प्रोवाइड कर सकती है। अब इनका कैंपस तो कोलकाता में नहीं है, ये तो कहीं और ही है। लोकेशन जहाँ पे इनका कैंपस है वो मैं नीचे डाल दूँगा, सोनी में देख लियो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बोल दूँगा तो यार लोग, मतलब तुम समझ रहे हो ना क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बट ये बात भी सच है कि ऐसे कॉलेजेस के बारे में बात करना, ऐसे कॉलेजेस को एक्सपोज करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनमें एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे बच्चे इन कॉलेजेस में जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने जो करियर होता है उसको खतरे में डालते हैं। यार मुझे पता है कि एक बहुत बड़ा नाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का नाम आप जब लेते हो तो आप इसको कॉपी करने की कोशिश करते हो, आप इसको मिल्कआउट करने की कोशिश करते हो, क्योंकि काफ़ी ईजी हो जाता है एक कॉलेज के लिहाज से इसी सेम नाम को लेके एक अलग ही इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट कर देना। और क्योंकि कॉलेज थोड़ा सा सस्ता है इंटरनेशनल वाले से, तो कहीं ना कहीं लोग अट्रैक्ट भी हो जाते हैं और लोग एडमिशन भी ले लेते हैं। बट जो जब हम कभी भी एडमिशन लेते हैं ना, जस्ट एक जेनरिक सजेशन है, जो सबसे पहली चीज़ हमें देखनी चाहिए वो होना चाहिए कॉलेज की डिग्री कहाँ से एफिलिएटेड है। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए यार आई एम सॉरी, अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड नॉइज़ आई है वीडियो में तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट स्टिल मैं आपको यही कह सकता हूँ गाइस कि जब आप कोई कॉलेज लेते हैं तो आप अपनी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, और इस तरह के फेक कॉलेजेस से बहुत दूर है। ना सिर्फ ये नाम में फेक हैं बल्कि अपनी डिग्रीज में भी फेक हैं। मुझे नहीं पता कि शायद आपकी फ़र्स्ट जॉब आपको मिल जाए, बट उसके बाद आप क्या करेंगे मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि करियर में फ़र्स्ट जॉब हर चीज़ नहीं होती। आप कॉलेजेस फर्स्ट जॉब के बाद काफ़ी सारी जॉब स्विच करते हो अपनी लाइफ में, 7 to 8 ईयर्स ऑफ करियर में आप काफ़ी सारी जॉब्स में इनरोल हो सकते हो। तो आपको समझना होगा यहाँ से कि लाइक कहाँ जाना है, क्या करना है, और आप कॉलेज की वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो भी आपको विज़िट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, एटलीस्ट यू कैन सेव द रेस्ट ऑफ योर टाइम, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, वंस गॉन इट विल नेवर कम बैक, मनी कुड बी रिकवर्ड, एनीथिंग इन लाइफ कुड बी रिकवर्ड, बट टाइम कैन नॉट बी, टाइम इज़ इरिवर्सिबल। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप मेरी बातों को बहुत ही गंभीरता से लें, बुरी लग सकती हैं, कई लोग कहेंगे कि भाई तू कौन होता है ये कहने वाला, ये बहुत कुछ। तो मेरे भाई, जब मैं आपको ये बात कह रहा हूँ तो मैंने कुछ देख के कहा है, आपको यकीन नहीं है UGC ऐसा कहता है, आप UGC की वेबसाइट विज़िट कर सकते हो। आपको यकीन नहीं है कि ये कोई समुद्री स्किल्स नाम की यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपस के बाहर डिग्री नहीं दे सकती है, इन सब बातों को मैं आपको गलत बता रहा हूँ। आप डेफिनेटली इनकी भी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। अब आप कहोगे लिंक दे दो, मैं लिंक नहीं दे सकता हूँ, गूगल है आपके पास, गूगल पे जाओ, लिखो क्या लिखोगे, IHM लिख देना, आ जाएगा, ठीक है, जाओ लिखो, यू विल गेट द सिमिलर कॉलेज विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट्स नेम, और आप उस कॉलेज पे जाइए हिंदुस्तानी IHM के, उनकी वेबसाइट पे जाइए, एप्लीकेशंस को चेक करिए, और एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड और एक बहुत ही
डिसाइसिव फैसला लीजिए, क्योंकि करियर आपका है, मेरा नहीं है, किसी और का नहीं है, किसी और को यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, करियर आपका है दोस्त, आपको डिसीजन लेना है। बड़े भाई होने के नाते, एक मेंटोर होने के नाते, मैंने आपको ये बात बताना ज़रूरी समझी और मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट्स में जाके कॉलेज का नाम लिखिए। एंड गाइस, वन वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, ये वीडियो मुझे नहीं पता तो मेरे कितने वीडियो शेयर करते हो नहीं करते हो, ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके।